ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। Hello, namaste and welcome back to my channel. For those who are new here, my name is Shruti and aaj main aap logo ke sath share karne wali hu ye wala look. Ye ek proper wedding guest makeup look hai. Maine dekha hai ki shaadiyon mein dulhe dulhenon se zyada guest pareshan rehte hain. Kyun? मेकअप में क्या पहने, कैसे पहने, जल्दी भी पहनना है, सटल भी होना चाहिए, ओवर नहीं लगना चाहिए, प्ला प्ला प्ला। ये वाला लुक मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इसको किया है और ये देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पीपल आई हैव सीन यू वॉचिंग माई वीडियोज़ बट सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ यूज़ कर रही हूँ सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लगा रही हूँ बायोटेक का ये बायो कैरेट मॉइस्चराइजर और ये विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर मैं लगा रही हूँ कलर बार का ये प्राइमर ताकि हमारा मेकअप बेस बिल्कुल फ्लॉलेस और इवन लगे और ये मेकअप क्योंकि शादियों के लिए कर रहे हैं तो ये हमें लॉन्ग लास्टिंग बनाना है और ये प्राइमर हमें उसमें हेल्प करेगा। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है मेबलिन फिट मी का पोरलेस फाउंडेशन, आई एम इन द शेड 128 वार्म न्यूड एंड गाइज यू मस्ट गिव इट अ ट्राई क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी फाउंडेशन यूज़ किए हैं ड्रग स्टोर में ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी। आप हमेशा याद रखो कि मेकअप करने से पहले अपने लिप्स में कोई सा भी लिप बाम यूज़ करो। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का बेबी लिप बाम और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई शेडो लगाने से पहले मैं अपने आईलिड पे लगाऊंगी एल ए गर्ल प्रो कंसीलर, आई एम इन द शेड प्योर बीच एंड ये कंसीलर बहुत बहुत अच्छा है। इसे मैं आगे मेकअप में भी यूज़ करूँगी अपने अंडर आई पे और फोरहेड पे, नोज़ पे और कहीं भी जहाँ भी आपको लगे कि पिगमेंटेशन है वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का रिट्रैक्टेबल ब्राउ पेंसिल और ये ब्राउ पेंसिल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके एक साइड में ब्रश है जिससे आप अपने आईब्रोज़ को ब्रश कर सकते हो और एक साइड पे कलर है जिससे कि आप अपने आईब्रोज़ को फिल करोगे। मेरे आईब्रो पेंसिल का जो कलर है ये है डीप ब्राउन, मैं ब्लैक नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है बट अगर आपके हेयर का कलर ब्लैक है तो आप ब्लैक यूज़ कर सकते हो। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसको अपने पूरे फेस पे नहीं लगाना है, सिर्फ आईलिड पे लगाना है क्योंकि विंटर सीजन है और हमें मेकअप केकी नहीं चाहिए। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेकअप रिवोल्यूशन का ये ब्यूटीफुल सा पैलेट और इसमें से ये रस्टी कलर लेके मैं इसको अपने आईलिड पे लगाऊंगी एज अ ट्रांजिशन शेड। दीज कलर्स आर हाईली पिगमेंटेड एज यू कैन सी एंड इसमें जितने भी कलर्स है ये बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी वेडिंग ओकेजन और फेस्टिव सीजन के लिए। अब एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने पूरे क्रीज लाइन पे ब्लेंड करूँगी। याद रखिए सिर्फ क्रीज लाइन, नॉट बिलो दैट बिकॉज आईलिड पे हम कोई और कलर लगाने वाले हैं। कभी भी एक बार में ज़्यादा कलर ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा कलर अपने ब्रश में लेके उसे ब्लेंड करते रहें। नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग दिस ऑरेंज कलर और इसको मैं अपने आउटर वी ऑफ द आई में लगाऊंगी क्योंकि ये मेरे लहंगे से मैचिंग है इसलिए ये पूरे मेकअप के साथ बहुत अच्छा लगेगा। हर स्टेप के बाद अपने कलर्स को ब्लेंड करना ना भूलें सो दैट हमें कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे आईज़ पे।
फिर मैं इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से ये ब्यूटीफुल सा पिंकी पीची सा कलर अपने सेंटर ऑफ द आईलिड में लगाऊंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फिर उसी आई शेडो पैलेट में से मैं ये सुंदर सा ग्लिटरी गोल्डन शेड लूँगी और इसको अपने फिंगर की हेल्प से इनर आईलेट पे लगाऊंगी। अब जो भी फॉल आउट हुए हैं उसे मैं क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद मुझे लगाना है वही वाला कंसीलर जो मैंने पहले यूज़ किया था। दिस इज़ एल ए गर्ल प्रो कंसीलर इन द शेड प्योर बीज एंड इसको मैं अपने अंडर आइज पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी। ये कंसीलर फेस को बिल्कुल ही रेडिएंट, ग्लोई और ब्राइट बना देता है। जिन्हें भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, गो फॉर दिस कंसीलर। दिस कंसीलर इज़ वेरी वेरी गुड। फिर सेम आई शेडो पैलेट में से ये रस्टी कलर लेके लोअर आईलेट पे लगाना है और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। Then I'm using the same golden color for the inner corners of my eye. For the eyeliner, I am using Faces Ultimate Pro Eyeliner. And ये मेरा favorite eyeliner है क्योंकि इसे लगाना बहुत ही easy है। आज मैं एक winged eyeliner लगाने की कोशिश कर रही हूँ। Let's see ये कितना perfect हो पाता है। By putting all the concentration in the world, I guess कि ये ठीक ही है। And for the mascara, I am using the Maybelline Falsies Volume Express Mascara. एंड गाइज ये मस्कारा बहुत बहुत ही अच्छा है। इसको लगाने के बाद आपको अलग से फॉल्सीज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अपने लोअर लैशेज पे भी लगाऊंगी। नाउ फॉर द काजल, आई विल बी यूजिंग द काजल जो मैं रोज़ ही लगाती हूँ। ये है फेसेस अल्टीमेट प्रो काजल। आई लव दिस काजल बिकॉज दिस इज़ स्मज प्रूफ एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। नाउ फॉर द कंटोरिंग, आई विल बी यूजिंग द वेट एंड वाइल्ड ड्यो इंडेड कंटोर स्टिक एंड इसको मैं अपने हॉलर्स ऑफ द चीक्स पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे, अपने फॉरहेड पे और अपने जॉ लाइन पे लगाऊंगी और अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे फीचर्स बिल्कुल डिफाइंड और शार्प लगेंगे। रिमेंबर टू ब्लेंड इट केयरफुली एंड वेरी प्रॉपरली सो दैट कि हमारे फेस पे कोई हार्श लाइंस ना दिखे। For blush, I am using Faces Canada Glam On Blush in the shade Cocktail Peach
और ये तीसरी बार है जो मैं इसे ऑर्डर कर रही हूँ, द सेम शेड। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट फेसेस के मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड है गाइस। नाउ फॉर द हाईलाइटर, आई एम यूजिंग द रिवोल्यूशन प्रो का ये हाईलाइटर, और इसका शेड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, आप चेक कर लेना। इसको मैं अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी। और गाइज, इफ़ यू वांट टू बाय वन हाइलाइटर, दिस इज दैट वन हाइलाइटर। आई जस्ट लव दिस। सेम हाइलाइटर को मैं लगाऊंगी अपने ब्राउ बोन पे और अपने कॉलर बोन पे भी, सो दैट कि ये शाइनी शाइनी लगे। For lipstick, I'll be using today Sugar Smudge Me Not Liquid Lipstick in the shade Drop Dead Red. ये बहुत ही beautiful सा orangey, rusty red color है और ये मेरे लहंगे के साथ बिल्कुल perfect match होगा। ये मैं भूल गई थी अपनी last video में include करना, जो कि favorite lipsticks for wedding season था। अगर आप नहीं देखे हो तो मैं उसका link नीचे description box में लिंक कर दिया है, प्लीज उसे जाकर देखें। टू फिनिश द लुक, आई एम यूजिंग दिस सिल्वर बिंदी एंड सम फॉल्सीज। सो या, दिस इज द कंप्लीट लुक गाइज। आई होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट इज टोटली फ्री। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।